Very good morning to everyone. I am Gaurav Gupta. I come back again with a new lecture. So this lecture is basically for what? Class 9. And the chapter number is 12. And the name of the chapter 12 is what? Hero's Formula. So this chapter is very, very important for your examination point of view. And this chapter is also very simple. But you have to do just simple calculation. You already know all the basic concept. But you have to do take a new concept to find out. What we have to find out? We have to find out in all the question area of the triangle. As you already know how we calculate the area of the triangle, but we have some restriction. What are the restriction? Please make a note. Class 9, chapter 12, Hero's Formula. So we have to use the Hero's Formula to find out the area of the ट्रेंगल. तो आपको पता है एरिया ऑफ ट्रेंगल फाइंड आउट करने के लिए आपने क्लास 8th में क्लास 7th में एक फॉर्मूला ऑलरेडी स्टडी किया हुआ है. एंड दैट फॉर्मूला इज व्हाट? एरिया ऑफ द ट्रेंगल इज इक्वल टू 1/2 इनटू बेस इनटू हाइट. आपको ये फॉर्मूला ऑलरेडी पता है. इससे पहले जितने भी क्वेश्चंस आपने किए क्लास 7th में क्लास 8th में, तो आप वहां पे यही फॉर्मूला अप्लाई करते थे टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ द ट्रेंगल. बट द रिस्ट्रिक्शन इज व्हाट? वी have to apply this formula only at the right angle triangle. So right angle triangle is what? If the angle 1 in any triangle is 90 degree, that triangle is called right angle triangle. In that case mein hi aapko wahan pe kya milti thi? Height milti thi aur base milta tha. So jab hamari triangle right angle triangle nahi hogi, to in that case hum area of the triangle kaise find out kar sakte hain? तो सबसे पहले हम बात करते हैं एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर अ राइट एंगल ट्रायंगल. सो व्हाट इज द फॉर्मूला? एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज व्हाट? हाफ इनटू बेस इनटू हाइट. तो आपको एरिया ऑफ द ट्रायंगल फाइंड आउट करना है. और यदि आपको दिखाई देता है कि ये ट्रायंगल तो राइट एंगल ट्रायंगल है, तो देयर इज नो नीड टू अप्लाई द हीरोस फॉर्मूला. यू कैन डू डायरेक्टली अप्लाई द राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द एरिया ऑफ द ट्रायंगल. बट जब आपको लगता है कि ट्रायंगल इज नॉट अ राइट एंगल ट्रायंगल, इन दैट केस यू मस्ट बी अप्लाई द हीरोज फॉर्मूला टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ द ट्रायंगल. इट्स वेरी वेरी सिंपल. कैसे सिंपल है? हम स्टार्ट करते हैं अपने राइट एंगल ट्रायंगल से. तो एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज 1/2 बेस इनटू हाइट. मैं यहां मेंशन कर देता हूं ये फॉर्मूला किसके लिए है. ओनली राइट एंगल ट्रायंगल के लिए. तो मैंने यहां लिख देता हूं राइट एंगल ट्रायंगल. तो आप इसी चीज को अप्लाई करने के लिए मैं एक थोड़ा सा बेसिक सा कॉन्सेप्ट ले लेता. मैंने एक ट्रायंगल ड्रॉ किए ए बी सी. ये एक आपकी राइट एंगल ट्रायंगल है. क्यों है? क्योंकि जो एंगल बी है वो कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का है. तो 90 डिग्री का है तो ये ट्रायंगल क्या बन गई? राइट एंगल ट्रायंगल. तो इस पर मैं यदि एरिया फाइंड आउट करना चाहता हूं तो ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूं. अप्लाई करिए. एरिया इज इक्वल टू क्या होता है? 1/2 मल्टीप्लाई बेस. बेस का मतलब होता है हॉरिजॉन्टल लाइन. यहां पे हॉरिजॉन्टल लाइन कौन सी दिखाई दे रही है आपको? बीसी मल्टीप्लाई हाइट. हाइट होती है परपेंडिकुलर. सो परपेंडिकुलर आपको दिखाई दे रहा है एबी. तो जस्ट पुट द वैल्यू 1/2. बीसी की वैल्यू कितनी दिखाई दे रही है आपको? 12. मल्टीप्लाई एबी की वैल्यू कितनी है? 5. तो आप सीधे सॉल्व करते हो 2 1 2 2 6 12. तो 6 × 5 आपको मिलेगा 30 स्क्वायर यूनिट. तो आपका आंसर कितना आ गया? 30 स्क्वायर. स्क्वायर क्यों लगा? क्यों? क्योंकि जब भी आप एरिया ऑफ द ट्रायंगल या किसी चीज का एरिया फाइंड आउट करते हो, उसकी यूनिट क्या होती है? स्क्वायर में. तो इसका मतलब स्क्वायर. और यूनिट का मतलब यहाँ पे यदि यहाँ सेंटीमीटर है तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा? 30 स्क्वायर सेंटीमीटर. यदि यहाँ पे मीटर होता तो मैं क्या लिखता? 30 स्क्वायर मीटर. आपको स्क्वायर में आंसर लिखना है. तो यूनिट जो आएगी वो हमेशा किसमें आएगी? स्क्वायर में. तो कितना सिंपल था टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ द ट्रायंगल निकालना इन द राइट एंगल ट्रायंगल. बट द टॉपिक इज गोइंग टू बी वास्ट. वास्ट का मतलब क्या हो गया? और एक्सटेंड, और आगे आपको जाना है. पहले आप स्मॉल लेवल पे थे, अब आपको एक लार्ज लेवल पे जाना है. आपको डीप कैलकुलेशंस करनी है. उसके लिए फॉर्मूला कौन सा डिफाइन किया गया? हीरोज. हीरोज एक मैथमेटिशियन था जिसने एक न्यू वे डेवलप किया. उसका मेन पर्पस था ज्योमेट्रिकली मेंसुरेशन करना, कि कैलकुलेशन को इजी कर सके. उसने एरिया फाइंड आउट करने के लिए, वॉल्यूम फाइंड आउट करने के लिए डिफरेंट लॉज दी. उसमें से एक लॉज क्या है? हीरोज फॉर्मूला है. उसने एरियाज को फाइंड आउट करने का एक मेथड बताया.
ईजीएस्ट मेथड, और उसने उसी नाम पे हमने उसका फॉर्मूला डिराइव कर दिया, हीरोज फॉर्मूला। तो आप हीरोज फॉर्मूला की हेल्प से भी इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। वो हम क्वेश्चंस में करेंगे जब हम इसका बेसिक डिस्कस करेंगे। अब क्वेश्चन ये आता है कि जब आपकी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो क्या आप एरिया फाइंड आउट कर सकते हो? तो हमारा आंसर आएगा नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि यहाँ पे कोई राइट एंगल ट्रायंगल तो नहीं बन रही, यहाँ पे कोई राइट एंगल ट्रायंगल तो नहीं है। सेम क्वेश्चन आता है जब आपकी ट्रायंगल इक्विलेटरल की बजाय आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल कौन सी होती है? जिनकी दो साइड्स इक्वल होती है। और इक्विलेटरल ट्रायंगल कौन सी होती है? जिनकी तीनों साइड्स इक्वल होती है। तो यदि कोई ट्रायंगल आपको मिलती है जिसकी तीनों साइड इक्वल है, वो ट्रायंगल क्या है? इक्विलेटरल ट्रायंगल। बट ये कॉन्सेप्ट उस ट्रायंगल पे अप्लाई नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि वो एक राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है। सेम कॉन्सेप्ट जब हम आइसोसेलेस ट्रायंगल की बात करते हैं तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में भी क्या है? कोई राइट एंगल ट्रायंगल नहीं बनी हुई। आइसोसेलेस ट्रायंगल की दो साइड्स इक्वल होती है और बेस अलग होता है। इट मींस जब हम इसकी बात करते हैं तो ये दोनों साइड्स क्या होती है? आइसोसेलेस ट्रायंगल की इक्वल होगी और ये बेस क्या होगा? अलग होगा। इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीनों साइड्स क्या होती है? इक्वल होती है। तो यहां क्वेश्चन आता है कि राइट एंगल नहीं बन रही तो आप यहां पे ये कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं कर सकते। लेकिन इसको भी फाइंड आउट करने के लिए कुछ अनदर मेथड्स है, लेकिन वो इस लेवल पे नहीं है। आप यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करके, यदि यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाए तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाई जा सकती है। सेम यहाँ पे भी हम यदि यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ की जाए तो हम यहाँ पे इसमें राइट एंगल बना सकते हैं और इस कॉन्सेप्ट की हेल्प से भी एरिया ऑफ द ट्रायंगल फाइंड आउट कर सकते हैं। बट ये क्या हो जाएगा? क्वाइट टिपिकल। तो इससे इजिएस्ट मेथड किसने दिया? हीरोज फॉर्मूला ने। आप इसी ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट कर सकते हो वेरी सिंपलर वे से। आई होप आपको समझ आया होगा। तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हीरोज फॉर्मूला। सबसे पहले इसको मेक अ नोट प्लीज। नाउ लुक एट द बोर्ड, एरिया ऑफ हीरोज फॉर्मूला। मैं लिखने जा रहा हूं हीरोज फॉर्मूला, आप इसको नोट करिएगा। हीरोज फॉर्मूला, तो एरिया ऑफ द ट्रायंगल जब आपको फाइंड आउट करना हो हीरोज फॉर्मूला से, एरिया ऑफ ट्रायंगल तो वो किसके इक्वल होता है? इज इक्वल टू, सबसे पहले तो आपको स्क्वायर रूट करना है, एक स्क्वायर रूट ड्रॉ करना है। यहाँ पे एक वेरिएबल आ रहा है यहाँ पे एस, अभी डिफाइन करूंगा कि एस क्या होता है। एस फिर ब्रैकेट में एस माइनस ए, फिर ब्रैकेट में एस माइनस बी, फिर ब्रैकेट में एस माइनस सी। ये फॉर्मूला है एरिया ऑफ द ट्रायंगल फाइंड आउट करने का। तो इसको नोट करिएगा पहले, सबसे पहले। अब मैं आपको डिफाइन करता हूं कि यहां पे एस क्या है। एस कहते हैं हाफ ऑफ द पेरीमीटर। एस यहां पे क्या है? हाफ ऑफ द पेरीमीटर है ऑफ अ ट्रायंगल। पेरीमीटर ऑफ ए ट्रायंगल, तो आपको पता है यदि कोई आपको एक ट्रायंगल दी जाए तो ट्रायंगल का पेरीमीटर निकाल सकते हो। वेरी गुड। क्या है? जैसे फॉर एग्जांपल मैं ये एक ट्रायंगल बना देता हूं, दिस वन इज योर ट्रायंगल। इसकी साइड को कनेक्ट कर लेता हूं, ये साइड ए है, ये साइड बी है, ये साइड सी है। तो आपको पता है पेरीमीटर क्या होता है किसी ट्रायंगल का? सम ऑफ द ऑल साइड। सो मैं यहां लिख देता हूं पेरीमीटर क्या होता है, इस चीज को आप भी नोट करिएगा, पेरीमीटर ऑफ ए ट्रायंगल क्या होता है? इक्वल टू सम ऑफ ऑल साइड। सम ऑफ ऑल साइड्स, यहां साइड्स की बात करते हैं, साइड्स ए बी सी है, तो यहां क्या आ जाएगा? ए प्लस बी प्लस सी, ये आ गया आपका पेरीमीटर। अब ये सारी चीजें यहां पे यूज होगी, इसलिए इन चीज को नोट करते जाइएगा। अब आपको S निकालना हो तो S कैसे निकाल सकते हो? S क्या होता है आपका, यहां ध्यान से देखिए, हाफ ऑफ द पेरीमीटर। पेरीमीटर का हाफ करना है आपको, तो देखिए पेरीमीटर, पेरीमीटर का क्या करना है आपको? हाफ। ये क्या है आपका? S है। और पेरीमीटर आपको पता है, पेरीमीटर क्या लिखा आपने? a प्लस बी प्लस सी। तो मैं यहां लिख सकता हूं a प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई टू इज इक्वल टू व्हाट? एस। तो एस का फॉर्मूला क्या बन गया? एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी बाई टू, एंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज दिस।
तो इस सब चीज को प्लीज मेक अ नोट वेरी केयरफुली, उसको स्पेसिफाई करिए ब्लॉक में डाल डाल के, क्योंकि अब हमें क्वेश्चनों में इन्हीं का यूज करना है और क्वेश्चंस वेरी वेरी सिंपल हो जाएंगे टू कैलकुलेट. सो प्लीज मेक अ नोट. नाउ लुक एट द बोर्ड. आई एम गोइंग टू टेक एग्जाम्पल वन ऑफ द एक्सरसाइज 12.1. आप रीड करिए क्वेश्चन को. कहते हैं फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल. आपको एरिया ऑफ ए ट्रायंगल फाइंड आउट करना है, जिसमें कहता है टू साइड्स ऑफ विच आर. इसका मतलब दो साइड्स आपको गिवन है, एक 8 सेंटीमीटर एक 11 सेंटीमीटर. बट आपको पता है ट्रायंगल की तो तीन साइड होती है, तो मैं डायग्राम बनाता हूं इसका. आप भी क्वेश्चन में हर क्वेश्चन में क्या बनाइए, डायग्राम बनाइए. ठीक है, ये ट्रायंगल का नाम देता हूं मैं ए बी सी. यहां पे तीन साइड है, मैं इसको कुछ भी नाम दे सकता हूं. फॉर एग्जाम्पल आप फिगर हर क्वेश्चन में फिगर ड्रॉ करिए. ये ए है, ये बी साइड, ये सी साइड. अब यहां देखिए किसी को भी आप ए मान सकते हो, बी मान सकते हो, सी. मैं सपोज करा इस साइड को ए मान लेता हूं. तो ए हमारी 8 सेंटीमीटर है, बी हमारी यहां पे क्या है 11 सेंटीमीटर. बट सी हमें नहीं पता, इसका मतलब सी सबसे पहले आपको क्या करना है, फाइंड करना है. जब तक सी फाइंड नहीं होगा तब तक आप एरिया ऑफ द ट्रायंगल फाइंड आउट नहीं कर सकते. इसके लिए वो कुछ ना कुछ क्वेश्चन में गिवन देगा. अब ध्यान से देखिए, इसने आगे भी दिया स्टेटमेंट, द पेरीमीटर इज 32 सेंटीमीटर. इसका मतलब यहां पे क्या है, एक वर्ड और आ गया, पेरीमीटर आ गया. तो पेरीमीटर आपको पता है सम ऑफ ऑल साइड. तो आप यहां लिख सकते हैं वी नो. आप क्या जानते हो, वी नो दैट पेरीमीटर, पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, तीनों साइडों का सम ए प्लस बी प्लस सी. ये होता है सिंपल. आप वैल्यू पुट करिए. देखिए पेरीमीटर की वैल्यू आपको ऑलरेडी गिवन है, कितनी वैल्यू है 32. तो मैं यहां 32 रख सकता हूं. ए ए की वैल्यू भी आपको पता है 8 सेंटीमीटर, प्लस बी बी की वैल्यू भी हमें पता है 11 सेंटीमीटर. सी आपको निकालना है. कितना इजी हो गया, ये 32 है इज इक्वल टू 11 प्लस 8 19 प्लस सी. तो सी की वैल्यू कितनी आ गई, इसको मूव करिए, 32 माइनस 19. 32 में से 19 माइनस करेंगे कितनी वैल्यू आएगी आपकी, 13. इसका मतलब सी की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 13 सेंटीमीटर आ गई. यहां तक समझ आ गया. तो पहले आपको अपने ट्रायंगल को कंप्लीट करना है, तीनों साइड निकालनी है. उसके लिए जो चीज गिवन है उसका यूज करना है. ये था आपका स्टेप वन. पहला स्टेप क्या रहेगा, कंप्लीट करना है स्टेप वन. स्टेप वन टू कंप्लीट ट्रायंगल, कंप्लीट द ट्रायंगल. तो आप अपने ट्रायंगल को क्या करो, कंप्लीट करो. तो जो चीज नहीं गिवन उसको फाइंड आउट करने के लिए कुछ पार्ट गिवन है, उसको रीड करके उसको सॉल्व करना है. आई होप आपको समझ आया होगा. सो प्लीज मेक अ नोट फर्स्ट. नाउ लुक एट द सेकंड स्टेप. अब आपको सेकंड स्टेप में क्या करना है, एस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. मैं यहां लिख देता हूं, आपको हाईलाइट किया जाएगा. स्टेप टू, स्टेप टू क्या करना है आपको, फाइंड करना है एस. एस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. अब आपको पता था एस की वैल्यू क्या होती है, सिंपल याद हो तो पेरीमीटर ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाय टू, ये फाइंड आउट करनी है. अब फाइंड आउट करिए सारी वैल्यूज. आपको पता है ए की वैल्यू कितनी है 8 सेंटीमीटर, बी की वैल्यू 11, सी की वैल्यू 13 डिवाइड बाय व्हाट, 2. आप सॉल्व करिए, 13 और 11 कितना हो गया 24, और 8 कितना हो गया 32, 32 बाय 2 कितना आ गया आपका 16 सेंटीमीटर. तो यहां से आपकी एस की वैल्यू निकल गई 16 सेंटीमीटर. इसके बाद स्टेप थ्री. स्टेप थ्री क्या करना है, अप्लाई द फॉर्मूला. यहां लिख देता हूं मैं आपको स्टेप थ्री, अप्लाई द फॉर्मूला. अब आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है. इट्स इजी है, करिए अप्लाई. फॉर्मूला क्या होता है ट्रायंगल का, एस इज इक्वल टू व्हाट, सॉरी एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, एस मल्टीप्लाई एस माइनस ए मल्टीप्लाई एस माइनस बी मल्टीप्लाई एस माइनस सी. कितना सिंपल है, आप जस्ट पुट द वैल्यूज, सभी वैल्यूज को पुट करिए. एस की वैल्यू कितनी है आपके पास 16, 16 माइनस ए, ए कितना है 8,
एस की वैल्यू कितनी थी 16, तो 16 माइनस 8, फिर है एस माइनस बी, 16 माइनस बी और बी की वैल्यू है 11, एस 16 माइनस सी, सी की वैल्यू कितनी है 13। यहां तक समझ आ गया? अब आपको जस्ट सॉल्व करना है, इसको और सॉल्व करिए। 16 मल्टीप्लाई क्या है, 16 में से 8 माइनस करेंगे 8, मल्टीप्लाई 16 में से 11 माइनस करेंगे 5, मल्टीप्लाई 16 13 माइनस करेंगे 3। यहां तक समझ आ गया? अब याद रखिएगा आपको स्क्वायर रूट सॉल्व करना है, और स्क्वायर रूट को सॉल्व करने का सबसे इजीएस्ट मेथड क्या होता है, आप क्या करिए इसको ऐसे टर्म में चेंज करिए, क्योंकि आपको ये पता है स्क्वायर रूट कैसे सॉल्व करते हो, जब कोई टर्म दो बार आएगी मल्टीप्लाई में तो वो टर्म स्क्वायर रूट से बाहर आ जाती है। तो आपको कोशिश यही करना है कि हर एक टर्म को सेम बनाने की कोशिश करनी है, ताकि दो दो की पेयरिंग बना सको और एक पेयरिंग से वो बाहर आ सके। लुक एट द बोर्ड, अब यहां पे है, अब मैं सॉल्व कर रहा हूं, यहां देखते हैं 16 है और यहां 8 है, तो 16 को मैं 8 में चेंज कर सकता हूं, यस 2 इंटू 8 लिख सकता हूं, तो इसको मैंने लिखा 2 इंटू 8। इतना समझ आया? ये 8 पहले से था, इसको 8 भी रखा, मल्टीप्लाई 5 और 3 को ब्रेक नहीं कर सकते, तो 5 और 3 को एज इट इज लिखना पड़ेगा। अब यहां देखिए 8 और 8 की पेयरिंग बन गई, तो 8 बाहर आ गया, तो अंदर क्या रह गया 2, एक 5 और एक 3। ये सॉल्व नहीं हो सकता, तो इसको एज इट इज लिखना पड़ेगा, 2 इंटू 5 10 इंटू 3 30, तो स्क्वायर सेंटीमीटर, या इसको डायरेक्टली लिख दीजिए सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 8 स्क्वायर रूट 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, दिस इज योर फाइनल आंसर। तो इस टाइप से स्क्वायर रूट को सॉल्व करोगे तो बहुत इजी वे से आपका आंसर निकल जाएगा। आई होप आपको समझ आया होगा, सो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड, आई एम गोइंग टू टेक अनदर एग्जांपल, फिर हम क्या है क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, इट्स वेरी इजी है। लुक एट द बोर्ड, एग्जांपल 2, द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगुलर प्लॉट आर इन द रेशियो ऑफ 3:5:7। आपको पता है ऑलरेडी हम कितने सारे क्वेश्चंस कर चुके हैं, जब भी आपको रेशियोज गिवन है तो आप उसको लेट कर लीजिए उसकी साइड्स बाय डूइंग मल्टीप्लाई विद एक्स। तो स्टार्टिंग करिए, जो साइड्स है आर इन द रेशियो ऑफ, इन द रेशियो ऑफ, साइड्स किस रेशियो में गिवन है हमें, 3:5:7। इसलिए हम लेफ्ट साइड कर लेते हैं, और आपको पहला स्टेप भी पता है ट्रायंगल को कंप्लीट करना है, तो हम अपने ट्रायंगल को ड्रॉ करते हैं। हम अपना पहला स्टेप करने जा रहे हैं, ए बी सी, ये हमारी ए साइड है, ये हमारी बी साइड है, और ये हमारी सी साइड है, हम तीनों साइड्स निकालेंगे, यहां रेशो गिवन है इसलिए लेट कर लेते हैं। लेट जो फर्स्ट साइड है, फर्स्ट साइड का मतलब क्या है ए, वो क्या बन गई 3x, बी क्या बन गई 5x, और सी क्या बन गई आपकी 7x। सिंपल थी, जस्ट क्या करना होता है आपको, मल्टीप्लाई करना होता है एक वेरिएबल से x से, तो ये साइड बन गई। इसको लिखो यहाँ पे, ए है आपका 3x, बी है आपका 5x और सी है आपका 7x। यहां तक समझ आया? लेकिन साइड की वैल्यू x की टर्म्स में आ गई, लेकिन x की वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी तभी आपकी साइड कंप्लीट मानी जाएगी। इसके लिए क्वेश्चन में कुछ ना कुछ गिवन होगा, उसको रीड करिए, इट्स पेरीमीटर इज 300 मीटर। अगेन हमें क्या गिवन है, पेरीमीटर गिवन है, इसका मतलब हम पेरीमीटर का कॉन्सेप्ट यहां पे यूज करेंगे। फिर से पेरीमीटर का फॉर्मूला लिखिए, पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी, यही पेरीमीटर का फॉर्मूला है। पेरीमीटर कितना गिवन है 300, ए साइड कितनी गिवन है आपको 3x, बी साइड 5x, सी 7x, तो हम इसको जब ऐड करते हैं 5 और 3 8, 8 और 7 कितना बन गया 15x। तो x की वैल्यू निकालनी है तो x को यहीं पे रखो और 15 को मूव कर दो ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, तो ये क्या बन जाएगा 300/15, और 15 की टेबल पे कट करते हो तो ये कट जाएगा, 15 बन जा 15 और 15 टू जा 30 20, इसका मतलब हमें x की वैल्यू कितनी मिल गई 20। हाँ तक समझा गया? जब आपको x की वैल्यू 20 मिल गई तो आपकी साइड ये क्या बन गई, ये साइड थी आपकी 3 × 20, कितना हो गया ये 60। ऐसे यहां सोल्व करिए, 5 × 20 कितना बन गया आपका 100, ऐसे यहां पे
7 मल्टीप्लाई 20 कितना बन गया आपका 140। सारी साइड कंप्लीट हो गई, इसको यहां लिख दीजिए। पहली साइड आ गई आपकी 60 सेंटीमीटर, दूसरी आ गई आपकी 100 सेंटीमीटर और तीसरी कितनी आ गई आपकी 140 मीटर। सभी आंसर मीटर में आएगा, क्यों? क्योंकि पेरीमीटर हमें गिवन है, किस में गिवन है? मीटर में गिवन। अब देखिए आपकी ट्रायंगल कंप्लीट हो गई। यस, आपकी ट्रायंगल कंप्लीट हो गई, इसका मतलब पहला स्टेप कंप्लीट हो गया। अब आपको सेकंड स्टेप करना है, सो प्लीज मेक अ नोट। अब अप्लाई करिए अपना सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप क्या था? फाइंड एस। हम अपना स्टेप टू कर रहे हैं। क्या करना होता है आपको स्टेप टू में? फाइंड करना होता है एस, और एस की वैल्यू आपको पता है क्या होती है? ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई टू। अब देखिए ए साइड कितनी है आपकी? 60 है। बी साइड कितनी है? 100 है। सी साइड कितनी है? 140 डिवाइड बाई टू। ये कितना बन गया आपका? 300। तो 300 डिवाइड बाई टू कितना आ गया आपका? 150। ये किसकी वैल्यू निकल गई आपकी? एस की वैल्यू निकल गई, एस निकल गया। अब थर्ड स्टेप क्या था? अप्लाई द फॉर्मूला। अब हम स्टेप थर्ड अप्लाई कर रहे हैं, अप्लाई फॉर्मूला। फॉर्मूला आपको याद है? फॉर्मूले में क्या था आपका? एरिया ऑफ ट्रायंगल इज व्हाट? कितना आसान फॉर्मूला था, ब्रैक स्क्वायर रूट लगाइए, फिर एस एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। कितना इजी फॉर्मूला है। अब वैल्यू जस्ट पुट करनी है, पुट करिए। विच इज इक्वल टू व्हाट? स्क्वायर रूट सॉल्व करना में एस, एस की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? 150। उसके बाद 150 में से ए माइनस करना है, ए कितना है? 60। सेकेंड 150 में से सेकेंड साइड कितनी है? 100। फिर 150 में से थर्ड साइड कितनी है? 140। अब इसको जस्ट सॉल्व करिए, कितनी वैल्यू आ जाएगी आपकी? ये आ गई आपकी 150। 150 में से 60 माइनस करेंगे 90, 150 में से 100 करेंगे 50, और 150 माइनस 140 कितना आ गया? 10। इतना समझ आया? और आपको पता है कि स्क्वायर रूट को बहुत आसानी तरीके से सोल्व कर सकते हैं, कैसे? कि पेयरिंग बना के। अब हम स्टार्ट करेंगे पेयरिंग बनाने की कोशिश करेंगे। मैं यहां सोल्व कर रहा हूं, यहां देखते हैं 150 और 50 यहां पेयरिंग बन सकती है क्या? 3 इंटू 50 लिख सकते हैं 150 को? यस, वेरी गुड। तो मैं 150 को 3 इंटू 50 लिख सकता हूं। ऐसा क्यों करा? क्योंकि यहां 50 था तो 50 की पेयरिंग बन गई, लेकिन यहां पे 3 आ गया, 3 फिर अगेन कंफ्यूज करेगा। यहां पे 90 है, 90 को 3 की टर्म्स में चेंज कर सकते हो, 3 इंटू 30। यस, 3 इंटू 30 लिखा जा सकता है। यस, अब 150 सोल्व कर दिया, 90 सोल्व कर दिया, 50 सोल्व कर दिया, अब क्या बचा? 10। इसका मतलब अभी 50 की पेयरिंग बन जाती है, 3 की पेयरिंग बन जाती है, लेकिन 30 कंफ्यूज कर रहा है। 30 और यहां एक क्या है? 10 है। आप 30 और 10 को भी चेंज कर सकते हो, 30 को क्या लिख सकते हो? 3 इंटू 10 लिख सकते हो। यस, तो लिख सकते हो तो उसको लिखिए। तो ये 3 इंटू 50 एज इट इज, ये भी 3 एज इट इज, 30 को क्या लिखोगे? 3 इंटू 10 इंटू 50 इंटू 10। यहां तक समझ आ गया? अब पेयरिंग बनाने की कोशिश करिए। अब पेयरिंग बन जाएगी आपकी, 50 की और 50 की पेयरिंग बन गई आपकी, बन गई। मैं आंसर यहां लिख रहा हूं, आप मेक अ नोट। यहां आ गई, पहला आ गया हमारा 50 मल्टीप्लाई, अब 3 की पेयरिंग, देखो 3 और 3 की पेयरिंग भी बन गई, तो एक 3 भी आ गया हमारा मल्टीप्लाई। इसके बाद 10 की भी पेयरिंग बन गई, तो 10 भी बाहर आ गया। ओनली क्या रह गया? एक 3 रह गया, तो इसको उस रूट में लेने दीजिए। अब 5 इंटू 3 15 इंटू 10 कितना हो गया? 1500 रूट 3, और मीटर में था तो आंसर क्या आ गया आपका? मीटर स्क्वायर। तो 1500 रूट 3 मीटर स्क्वायर आपका आंसर आ गया। देखा कितना सिंपल था। तो इस कॉन्सेप्ट को याद रखिएगा, नहीं तो क्वेश्चन के रूप में सोल्व करना टफ हो जाएगा, इसलिए माइंड को थोड़ा ओपन करिए और डू स्टार्ट दिस। अब हमने दो एग्जांपल रीड कर लिए, अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहे हैं, सो बी रेडी, सो प्लीज मेक अ नोट फर्स्ट। नाउ लुक एट द बोर्ड, आई एम गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज 12.1। सो एक्सरसाइज 12.1 स्टार्ट हो रही है। लुक एट द बोर्ड, क्वेश्चन नंबर 1। ये कहता है कि एक ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड है, एक ट्रैफिक पे एक बोर्ड लगा हुआ है,
किसी एक स्पूल का, ठीक है, और इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसका मतलब बोर्ड किस टाइप का, इक्विलेटरल ट्रायंगल का है, तो जिसकी तीनों साइड्स क्या होगी, इक्वल होगी, ठीक है, किसका है ये, इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल है ये। इसने कहा कि विद साइड ए, जिसकी साइड ए है, इसका मतलब तीनों साइड उसकी क्या होगी, ए होगी, आपको पता है ऑल साइड्स आर इक्वल, क्यों, क्योंकि क्या ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, इतना समझ आ गया, ऑल साइड्स आर इक्वल। अब ध्यान से देखिए, अब आपका क्वेश्चन आता है कि ए, यहां पे ए की वैल्यू नहीं पता होगी तो कैसे एरिया निकालेंगे हम। इसने कहा इफ द पेरीमीटर इज 180 सेंटीमीटर, इसका मतलब ये गिवन है, आपको पता है पेरीमीटर क्या होता है, हम अपना क्वेश्चन वहीं से स्टार्ट करेंगे। पेरीमीटर का वर्ड आते ही आपको क्या लिखना है, पेरीमीटर का फॉर्मूला, और पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी, तीनों साइडों का सम, तीनों साइडों का सम कितना दे रखा है आपको 180। अब आपको पता है यहाँ पे आपकी फर्स्ट साइड जो है वो भी ए है, जो सेकंड साइड है वो भी ए है, और जो थर्ड साइड है सी वो भी क्या है, ए है, सारी साइड ए ही है, तो यहाँ पे क्या रखोगे, ए को भी आप क्या रखोगे, ए, बी को भी ए रखोगे, और सी को भी क्या रखना पड़ेगा, ए ही रखना पड़ेगा, तो ये क्या बन गया 180, और a प्लस ए 3a, तो a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो एक 3 को डिवाइड में ले जाइए, और 180 को 3 से डिवाइड करोगे कितना आएगा 60, यस वेरी गुड, तो 60 इज इक्वल टू a, और यहाँ पे वैल्यू किसमें, सेंटीमीटर में है, तो 60 क्या बन गया 60 सेंटीमीटर, इसका मतलब आपके तीनों साइड आ गई, कितने कितने आ गई 60 60 60, तो ये सभी साइड कितनी आ गई 60 60 सेंटीमीटर की, आपकी सभी साइड्स आ गई। यहां तक समझ आ गया, पहला स्टेप हो गया। दूसरे स्टेप में क्या करते थे, एस की वैल्यू निकालनी है। अब स्टार्ट करते हैं स्टेप टू, एस, एस का फॉर्मूला क्या था, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाय 2, पहली साइड क्या है 60 है, सेकंड साइड भी 60 है, थर्ड साइड भी 60 है, डिवाइड बाय व्हाट 2, तो कितना बन गया 180 बाय 2 कितना हो गया 90, तो 90 सेंटीमीटर क्या आ गया आपका एस आ गया, कितना इजी था। अब कौन सा स्टेप अप्लाई करना है, थर्ड स्टेप, सो प्लीज पॉज द वीडियो और चेक करिए, अपने आप ही करिए, डू इट योरसेल्फ, और फिर ऑन करना और चेक करना कि आपका आंसर करेक्ट है या इनकरेक्ट है, सो प्लीज मेक अ नोट, नाउ चेक योर आंसर। एरिया ऑफ ट्रायंगल इज व्हाट, फॉर्मूला अप्लाई लिखो पहले, सबसे पहले जितनी बार फॉर्मूला लिखोगे उतनी बार याद होगा, इसलिए इसको लिखना में कोई वो नहीं है, ये नहीं कि शॉर्टकट मत मारो, इसको पूरे तरीके से करो। स्टार्ट करिए, एस, एस की वैल्यू कितनी आई 90, फिर 90 माइनस पहली साइड 60 है, सारी साइड 60 है, इसका मतलब सभी 60 60 माइनस ही होंगे। अब ये सोल्व करना कितना इजी हो गया, क्यों, क्योंकि सारी वैल्यू ऑलमोस्ट सेम आएगी, तो स्क्वायर रूट से बाहर आना बहुत आसान हो गया, 90 90 में से 60 माइनस करेंगे 30, ये करेंगे सेम 30, दिस करेंगे ये 30, इसका मतलब दो तो 30 के पेयरिंग बन ही रहे हैं, अब क्या रह गया एक 30 रह गया, अब 90 को 30 में चेंज कर सकते हो, कितना सिंपल है, इसको 3 इंटू 30 लिख सकते हो, यस वेरी गुड, और इन सब वैल्यू को ऐसे लिख लो 30 इंटू 30, अब देखिए पेयरिंग बन गई आपकी 30 30 की पेयरिंग बन गई 30 30 की, तो 30 भी बाहर आ गया और ये वाला 30 भी बाहर आ गया, तो अंदर रूट में क्या रह गया, ओनली 3 रह गया, 30 को 30 से करोगे कितना आएगा 900√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर आ गया, कितना इजी क्वेश्चन था, सो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड, क्वेश्चन नंबर 2 थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है लेकिन समझिए, एक एडवर्ट एक फ्लाईओवर है, आपको पता है फ्लाईओवर क्या होता है, उस फ्लाईओवर की जो शेप है वो ट्रायंगुलर शेप की है, और उस ट्रायंगल शेप को एडवर्टीजमेंट के लिए यूज कर रहे हैं, तो एडवर्टीजमेंट के लिए गवर्नमेंट क्या लेगी, हम उसको चार्ज लेगी, तो हमें उसका रेंट पे करना होगा, और वो रेंट कितना है उसको ध्यान से समझिए, ये है आपका क्वेश्चन। एक ट्रायंगुलर साइड है ऑफ ए फ्लाईओवर की, जिसकी तीन साइड दे दी 122 22 1, तो हम एक एक स्टेप को रीड करते हैं, क्योंकि हमारा पहला स्टेप क्या होता है, टू कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल, तो आपको ट्रायंगल बनानी है, तो हम अपने एक ट्रायंगल बना लेते हैं, ये एक फ्लाईओवर है सपोज करो, ठीक है ये फ्लाईओवर है, अब इस फ्लाईओवर की
आपको पता है कि सबसे बड़ी साइड होती है, तो इसको लेट कर लेता हूं मैं, ये 120 सेंटीमीटर हो गई, सॉरी 120 मीटर है, ये 22 मीटर है और ये 120 मीटर। जरूरी नहीं है राइट एंगल हो, तो इसको थोड़ा सा ओवर बैंड बना लीजिए आप, मैं ऐसे बना लेता हूं, ठीक है। यदि ऐसे भी नहीं समझ आ रहा है तो थोड़ा ओवर बैंड कर दीजिए। तो एक साइड 120 सेंटीमीटर है, मीटर है, एक 22 मीटर है और एक 120 मीटर है। क्या तो समझा गया, तीन साइड्स हो गई ट्रायंगल्स की। तो हमें पता है क्या नाम देते हैं इसको, ए, इसको नाम देते हैं बी, इसको क्या नाम देते हैं सी। तो तीनों साइड आपको पता है तो पहला स्टेप आपका क्लियर हो चुका। फिर सेकंड स्टेप क्या होता था, आपको क्या फाइंड आउट करना है, एस। तो हम पहला अपना स्टेप रीड करेंगे, बाद में आपकी स्टेटमेंट को रीड करेंगे। स्टेप टू क्या था, फाइंडिंग एस। एस का फॉर्मूला क्या था आपको याद हो गया, आपको ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई वॉट टू, सबको ऐड करिए कितना हो जाएगा ये 122 प्लस 120 प्लस 22 डिवाइड बाय व्हाट 3। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 2 और 2 4 और 2 और 2 4 और 2 6 और 1 और 1 2 डिवाइड बाय व्हाट। सो ये वैल्यू आ जाएगी, इसको डिवाइड बाय कट करिए, किस पे कट करेगा, 3 8 जा 24, 2 88 मीटर। आई होप आपको समझ आया। तो ये क्या आ गया आपका, ए आ गया, सॉरी एस आ गया। अब इसके अकॉर्डिंग आपको स्टार्ट करना है, जस्ट वेट अ मिनट, ये 22 मीटर नहीं होगा, आई होप 120 मीटर होगा। ये शायद 122 नहीं है, ये 122 मीटर है, इसको थोड़ा चेंज करिए, ये आपका हो गया 122। इसको 122 करेंगे तो ये वैल्यू कितनी बन जाएगी आपकी, 122 इसका मतलब ये बन जाएगा आपका 3 बनेगा। तो इसको कट करिए, 3 बन जा 3। फिर उसके बाद किस पे जाएगा ये, आई होप एक बार मैं चेक करता हूं, सो प्लीज मेक अ नोट। स्टेटमेंट ठीक है, हमने गलती कर दी, 22 ही है, 22 ही है, गलती कर दी हमने, यहां गलती कर दी हमने, क्या गलती करी, यहां तो ठीक लिखा था, ये 2 था, यहां क्या कर दिया, गलती से 3 लिख दिया, ये 2 ही आएगा। तो 2 पे कट करिए, 2 वन जा 2 और 2 कितने जाएगा, ये एक मिनट बनेगा, दोबारा कैलकुलेशन करिए, ये कितना बन गया आपका, 22 और 22 44 और 20 64, तो ये बन गया आपका 264 डिवाइड बाय 2। अब कट करिए, 2 1 जा 1, 2 3 जा 6, तो आपका आंसर आएगा 132 मीटर। ये वैल्यू किसकी आ गई आपकी, एस की। अब आपका पहला स्टेप क्लियर हो गया, सॉरी दो स्टेप क्लियर हो गए, एस भी निकल गया, ट्रायंगल भी कंप्लीट हो गई। अब क्या अप्लाई करना है, एरिया ऑफ द ट्रायंगल। अब मैं इसको रब करने जा रहा हूं, सो प्लीज मेक अ नोट। आपको याद क्या रखना है, या तो सबसे पहले मैं स्टेटमेंट का मीनिंग बताऊंगा। आप देखिए करना क्या है, आपको ये याद रखना है कि जो एडवर्टीजमेंट की गई है उसकी कुछ अर्निंग है, गवर्नमेंट हमसे क्या लेगी, उसके पे करना पड़ेगा हमें, तो वो कितना पे करती है, 5,000 रुपीज पर मीटर स्क्वेयर। मतलब एक एरिया, यदि एरिया 1 मीटर स्क्वेयर एरिया है, उसकी कॉस्ट 5,000 रुपीज होगी पर ईयर। लेकिन हमें कितना हायर करना है, एक कंपनी है उसने इसको हायर करा फॉर 3 मंथ के लिए, यहाँ पे ये स्टेटमेंट लिखना भूल गया मैं, हायर फॉर 3 मंथ। तो आपको ये पता लगाना है कि 3 मंथ में उसको कितना पे करना पड़ेगा, तो मुझे कुछ रब करना पड़ेगा, तो प्लीज मेक अ नोट फर्स्ट। करिए स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले अपना नेक्स्ट स्टेप करते हैं, एरिया फाइंड आउट करते हैं। अगेन एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज, करिए अप्लाई, पहले तो लिखिए एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। अब वैल्यू पुट करिए, सभी वैल्यूज को पुट करिए, पहली वैल्यूज क्या है, एस की वैल्यू है 132, तो 132, फिर 132 में से क्या माइनस करना है पहला आपको 122, फिर क्या माइनस करना है आपको 22, और फिर क्या माइनस करना है आपको 132 माइनस 120,
करिए सॉल्व करिए इसको, 132 एज इट इज मल्टीप्लाई 132 में से 122 माइनस करेंगे कितना आएगा 10, इसको माइनस करिए कितना आएगा आपका 110, इसको माइनस करिए कितना आएगा आपका 12, यहां तक आएगा। सो प्लीज मेक अ नोट अगेन। नाउ लुक एट द बोर्ड, अब आपको इसको सोल्व करना है। अब देखिए बिल्कुल इजी है, थोड़ा सा ध्यान देना कितना आसान कैलकुलेशन बन जाएगी इसकी। ये 132 है, मैं इसको सोल्व नहीं करता, क्यों नहीं करता, क्योंकि 132 मुझे एक जगह से और भी मिल रहा है। देखिए ये 10 है, इसको 10 ही लिखा, ये कितना है 110 है ना, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 10 इंटू 11 लिख सकता हूँ, क्योंकि 10 को 11 से मल्टीप्लाई करोगे 110 ही आएगा, इंटू में क्या है 12। अब देखिए कितना सिंपल बन जाएगा ये 132 मल्टीप्लाई 10 इंटू 10, इसको चूज ही नहीं करना। अब ये देखिए 11 इंटू 12 कितना होता है, ये भी 132 होता है, तो इसका मतलब देखिए 132 और 132 की पेयरिंग बन के 132 बाहर आ गया, 10 और 10 की पेयरिंग बन के 10 बाहर आ गया, इसका मतलब कितना इजी बन गया 1320 मीटर स्क्वायर, कितना आसान बन गया एरिया। लेकिन हमारा मेन पर्पस क्या था, हमें कॉस्ट निकालनी है। अब देखिए इसको यूज करेंगे, 5000 रुपीस पर मीटर स्क्वायर पर ईयर है, इसका मतलब क्या है, एक वन ईयर में कितने मंथ होते हैं, 12 मंथ होते हैं, मैं ये लिख सकता हूं। अब आपको इस स्टेटमेंट का मीनिंग समझ आ रहा है, जो रेंट है किस चीज का, फॉर 12 मंथ का पर मीटर स्क्वायर, पर मीटर स्क्वायर मतलब एक एरिया, वन स्क्वायर मीटर का एरिया की जो कॉस्ट है, रेंट है 12 मंथ का, वो कितना है 5000 रुपीज है। तो यदि हम 1 मंथ के लिए निकालते हैं तो 1 मंथ के लिए कितना हो जाएगा, ये 5000 डिवाइड बाई 12 हो गया। हमें कितने मंथ के लिए निकालना है, 3 मंथ के लिए, तो 3 मंथ के लिए कितना हो जाएगा, 5000 डिवाइड बाई 12 मल्टीप्लाई 3। यहां तक समझ आ गया, अब नेचुरल बात है, आपके मैं कहता हूं एक एप्पल 5 रुपीज का आता है तो 10 एप्पल कितने के आएंगे, 5 × 10 = 50 रुपीज, इसका मतलब क्या है, उसको मल्टीप्लाई कर दो। अब आपको पता है 1 स्क्वायर मीटर की कॉस्ट कितनी है, इतनी है, आपको कितने की निकालनी है, 1320 की, इसका मतलब सिंपली क्या करना है, डू मल्टीप्लाई। सो टोटल कॉस्ट कितनी हो गई, सॉरी टोटल रेंट, अब टोटल रेंट क्या आएगा, जैसे इसको मल्टीप्लाई करना है, किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, 5000 डिवाइड बाय 12 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई किससे करना है, एक स्क्वायर की कॉस्ट इतनी है, आपका एरिया कितना आया 1320, तो इसको मल्टीप्लाई करो 1320 से। हाँ आई होप आपको समझ आ रहा होगा, तो इसको थोड़ा कट करिए और अपने आप ही सॉल्व करने की कोशिश, 3 × 4 = 12, 4 पे कट जाएगा, 4 पे इसको कट कर दो, 4 × 3 = 12, 4 × 3 = 12, 330, अब 5 से इसको कर दो, 5 × 3 = 15, कैरी 1, 5 × 3 = 15 और 1 = 16, तो 165, 30 और 40 स्क्वायर, सॉरी इतने रुपीस, 165 और 40 इतने रुपीस क्या होगी, उसकी एडवर्टीजमेंट की रेंट होगा। आई होप आपको समझ आया, तो इसको प्रॉपर स्टेप से नोट करना है, प्लीज मेक अ नोट। Now look at the board. I'm going to take question number 3. अब देखिए मैंने थोड़ा शॉर्टकट में स्टेटमेंट को लिख दिया, जो चीज जरूरी थी उसी को लिखा, कि एक ट्रायंगुलर पार्क है जिस पे एक मैसेज लिखा गया है, और उस मैसेज जो लिखा गया है वो ट्रायंगुलर शेप का पार्क है, तो आपको ट्रायंगुलर शेप पे क्या करना है, पेंट करना है। तो ट्रायंगुलर शेप की जो साइड्स है वो गिवन है 15, 11 और 6 मीटर की, तो आपको ये पता लगाना है कि कितना एरिया होगा पेंटिंग का। कितना इजी क्वेश्चन है, तीनों साइड गिवन है, जस्ट क्या निकालना है, एरिया ऑफ द ट्रायंगल, कितना इजी है, करिए स्टार्ट। सबसे पहला स्टेप अपना ट्रायंगल कंप्लीट करते हैं, ये हमारी ट्रायंगल हो गई ए बी सी, फर्स्ट साइड हमें पता है कितनी है, 15 है, मीटर में है, मीटर में लिखो, सेकंड साइड हमें पता है 11 मीटर है, और थर्ड साइड हमें पता है 6 मीटर है। पहला स्टेप कंप्लीट हो गया, सेकंड स्टेप में क्या था, एस निकालना होता है, एस निकालिए, S is equal to क्या होता है, A plus B plus C divide by what? 2, तीनों साइड आपको पता है, सॉल्व करिए,
15 प्लस 6 प्लस 11 डिवाइड बाय व्हाट 2। अब 15 और 6 कितना हो गया 21 और 22 और ये कितना हो गया 32 डिवाइड बाय 2 कितना आ गया 16। थर्ड स्टेप भी हो गया और सॉरी सेकंड स्टेप हो गया। अब थर्ड स्टेप क्या है, एरिया फाइंड आउट करना। अब एरिया भी आपको पता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या फॉर्मूला होता है, अंडर रूट या स्क्वायर रूट एस एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी। इसको हर बार लिखा करेंगे। आप जस्ट पुट द वैल्यूज, एस की वैल्यू कितनी आ रही है आपकी, ये 16 है। फिर पहली साइड कौन सी है, ए 15, सेकंड साइड क्या है 11 और थर्ड साइड क्या है आपकी 6। अब इसको सॉल्व करना है, करिए स्टार्ट सॉल्व करना। ये 16 हो गया, 16 में से 15 करेंगे 1, 16 में से 11 करेंगे 5, 16 में से 6 करेंगे 10। अब देखो इसको चेंज करना है, कैसे चेंज कर सकते हैं। 10 को क्या लिख सकते हो आप, 5 इंटू 2 लिख सकते हो, तो इससे 5 की पेयरिंग बन गई, इजी है। अब यहाँ एक 2 आ गया तो 2 को इसको चेंज कर लो। 16 को क्या लिख सकते हो आप, वैसे तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख सकते हो, इससे और भी इजी हो जाएगा। इसकी पेयरिंग बन गई तो बाहर 5 आ गया। इन दो की पेयरिंग बन गई, सॉरी इन दोनों की बजाय इनकी बना लेता हूँ, 16 की भी छोड़िए, बल्कि ये तो आसान है, बिल्कुल इजी है। इसको 16 को ब्रेक करने की आपको जरूरत ही नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि 16 का तो स्क्वायर रूट होता है क्या होता है, 4 होता है, और 5 इंटू 5 का ये 5 आ गया और अंदर क्या रह गया, ओनली 2 ही रह गया, तो 2 इंटू 4 इंटू 5 कितना हो गया 20√2 मीटर स्क्वायर। कितना इजी था। तो जब आपको दिखाई देता है कि किसी नंबर का स्क्वायर रूट डायरेक्ट होता है तो उसको डायरेक्ट ही निकाल दो, कितना बहुत इजी हो जाएगा इसे निकालना। सो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द क्वेश्चन नंबर 4। ये देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन आ गया, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल हुज टू साइड्स आर। अब इसमें दो साइड्स दे दी, तो अपना पहला स्टेप करिए। पहला स्टेप क्या था, आपको ट्रायंगल कंप्लीट करनी है ए बी सी, ए बी और सी। देखिए इसमें से क्या दे दिया, टू साइड, दो साइड दे दी। पहली साइड क्या दे दी 18 सेंटीमीटर, तो ये 18 सेंटीमीटर है। सेकंड साइड कितनी दी आपको 10, तो ये 10 सेंटीमीटर है। इसका मतलब सबसे पहले आपको क्या करना है, सी फाइंड आउट करना है, अपने ट्रायंगल को कंप्लीट करना है। इसके लिए कुछ ना कुछ गिवन होता है, क्या गिवन है देखो यहाँ पे, द पेरीमीटर इज, इसका मतलब आपको क्या गिवन है, यहीं पे यूज कर लेते हैं पेरीमीटर। और पेरीमीटर क्या होता है आपको याद हो गया, तो ए प्लस बी प्लस सी। कितना पेरीमीटर गिवन है 42। वैल्यू पुट करिए, ए की वैल्यू कितनी है 18, बी की वैल्यू कितनी है 10, आपको सी निकालना है। तो ये कितना हो गया 42 इज इक्वल टू 18 प्लस ये 28 प्लस सी। तो इसको उधर ले आओ, 42 माइनस 28 इज इक्वल टू सी। तो 12 में से 8 माइनस करेंगे कितना आएगा 4, 3 में से 2 करेंगे 1, 14। तो सी की वैल्यू कितनी आ गई 14। दिखाई दे रहा है, नहीं दिखा रहा, यहां लिख देता हूं सी की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 14। अब यहां पे सी की वैल्यू आपको 14 मिल गई है। अब सॉल्व करना इजी है। सेकंड स्टेप क्या था, एस, एस क्या था आपका ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाय 2, तीनों को ऐड कर दो 18 प्लस 10 प्लस 14 डिवाइड बाय 2 कितना हो गया 18, ये 22, 42 डिवाइड बाय 2 इसका मतलब 21। ऐसा आपका आ गया 21, इजी था। थर्ड स्टेप एरिया निकालना है, और एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला फिर से लिखूंगा मैं, क्यों, क्योंकि प्रैक्टिस करनी है मोर एंड मोर। एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी। अब यहां पे अप्लाई करना रह गया, अब अप्लाई करते हैं। एस की वैल्यू कितनी आई आपकी 21। अब स्टार्ट करिए, 21 में से पहली साइड कितनी है 18 है, सेकंड साइड कितनी है 10 है, और थर्ड साइड कितनी है आपकी 14 है। सॉल्व करिए इसको, 21 21 में से 18 करेंगे 3, इसमें से करेंगे तो 11, और इसमें से करेंगे तो कितना वैल्यू आ गई 7। अब देखिए यहां से देखिए कितना इजी बन जाता है, 21 को ऐसे रखो मल्टीप्लाई 3 इंटू 7 कितना हो गया 21 हो गया, कितना इजी बन गया ना। अब 21 दो बार आ गया तो 21 बाहर आ गया, और अंडर रूट में क्या रह गया 11 सेंटीमीटर स्क्वायर।
ये आपका आंसर आ गया। आई होप आपको समझ आया होगा, स्क्वायर रूट देखा कितनी स्पीडली सोल्व कर सकते हो, तो अपने माइंड में ऐसी थिंकिंग रखिएगा तो ये सोल्व करना बहुत इजी हो जाएगा। सो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड, क्या कहता है, साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इन द रेशियो ऑफ, अगेन द क्वेश्चन देखिए रेशियो में है, सेम कैसा हो गया जो हमने एग्जांपल पे किया था, बिल्कुल सेम वही एग्जांपल है। तो पहला स्टेप अपना कंप्लीट करिए, ट्रायंगल बनाइए। अब यहां पे आपको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, साइड्स के रेशियो दिया हुआ है, साइड्स आर इन द रेशियो ऑफ, साइड्स की रेशो में दी गई है आपके पास 12 रेशो 17 रेशो 25। आपको पता है रेशो को किस में लेट कर लेते हैं, मल्टीप्लाई करके एक्स, वो आपकी साइड बन जाती है, तो लेट करिए, लेट साइड्स आर, तो पहली साइड आपकी ए हो गई, कितना बन जाएगी आपकी 12x, सेकंड साइड बी है वो 17x, थर्ड साइड सी है वो आपकी 25x। क्या आपको समझ आ गया। अब x की वैल्यू निकालने के लिए क्वेश्चन में कुछ और भी गिवन होगा, ध्यान से रीड करिए, इट्स पेरिमीटर, इसका मतलब पेरिमीटर गिवन है, तो पेरिमीटर का यूज है, आपको पेरिमीटर का फॉर्मूला पता ही है, पेरिमीटर क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी, सारी वैल्यूज को पुट करिए, पेरिमीटर की वैल्यू कितनी है आपकी 540, a की वैल्यू है 12x, b की वैल्यू 17x और c की वैल्यू 25x, तो ये कितना बन गया आपका 540 बन गया, इज इक्वल टू व्हाट 12 और 17 कितना बन गया, सॉरी 25 और 17 कितना बन गया आपका 37 और ये 32 और ये 39, तो 5 और 7 12 और 12 14 कैरी 1, सो 2 3 4 54 ही बन गया, तो बहुत सिंपल हो गया। तो x की वैल्यू क्या आ गई आपकी 540 डिवाइड बाय 40, कट के क्या आ गया x इज इक्वल टू 10 आ गया, कितना सिंपल था। अब ये 10 आ गया तो यहां से वैल्यू निकल गई आपकी 12 इंटू 10 कितना हो गया आपका 120, 17 इंटू ये 170 और 50 ये हो गया आपका 250। इसका मतलब जो पहली साइड है आपकी वो 120 सेंटीमीटर है, सेकंड साइड जो बी है वो 170 सेंटीमीटर है और थर्ड साइड सी कितनी आ गई आपकी 250 सेंटीमीटर। तीनों साइड कंप्लीट हो गई, अब आपका एरिया निकालना कितना इजी हो गया। सो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड, आपको क्या निकालना है, सबसे पहले एस करिए, सबसे पहले एस ही निकालते हैं, एस की वैल्यू क्या थी ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाय 2, ए कितना है आपका 120, बी आपका 170, सी 250 डिवाइड बाय व्हाट 2, कितना बन गया 540 डिवाइड बाय 2, ये बन गया आपका 270। अब अप्लाई द फॉर्मूला, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला अप्लाई करिए, एस एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी, करिए सोल्व, वैल्यू सारी पुट करिए, एस कितना है आपका 270, तो पहली साइड कितनी है आपकी 120, 270 माइनस 120, सेकंड साइड कितनी है आपकी 270 माइनस 170 और थर्ड साइड कितनी है आपकी 270 माइनस 250। सिंपलीफाई करिए इसको, ये कितना बन गया आपका 270 और ये 270 में से माइनस करिए कितना बन गया आपका 150, 170 माइनस करेंगे कितना बन गया आपका 100 और ये कितना बन गया 20। अब इसको सॉल्व करिए, अब देखिए कितना इजी बन सकता है, इसको हम सॉल्व करते हैं, 150 को आप क्या लिख सकते हो, 3 × 50 लिख सकते हो, 150 आएगा, 100 को क्या लिख सकते हो 2 × 50 लिख सकते हो, 20 है 20 को क्या लिख सकते हो 2 × 10 लिख सकते हो, ऐसे ही 270 को क्या लिख सकते हो 27 × 10 लिख सकते हो, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लीजिए, 27 को क्या लिख सकते हैं हम 3 × 3 × 3 × ये 10 एज इट इज इंटू ये 3 भी एज इट इज, ये 50 भी, ये 2 भी और ये 50 भी, ये 2 भी और ये भी 10 भी। अब देखिए ध्यान से, सभी की पेयरिंग बन गई, मैं टिक कर रहा हूं,
थ्री और थ्री की पेयरिंग बन गई आपकी, थ्री आ गया मल्टीप्लाई, ये थ्री और ये थ्री पेयरिंग बन गई, ये भी थ्री बाहर आ गया, टेन और टेन की भी पेयरिंग बन गई, उसके बाद फिफ्टी और फिफ्टी की भी पेयरिंग बन गई, उसके बाद टू और टू की भी पेयरिंग बन गई। कितना इजी था, थ्री इंटू थ्री नाइन, नाइन इंटू फाइव फोर्टी फाइव, इंटू टू नाइन, इसका मतलब आपका आंसर आ गया 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका ये आंसर है। कितना इजी था ना, तो इस टाइप से फैक्टर को इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए, क्वेश्चन बहुत इजी है, सो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड, कहता है कि एक आइसोसेलस ट्रायंगल, आइसोसेलस ट्रायंगल आपको पता ही है जिसकी दो साइड इक्वल होती है, इसका मतलब माइंड में पहले से फिगर बन गया हमारा। जिसकी ये साइड और ये साइड क्या है, इक्वल है, जैसे इसको मैंने लेट कर लिया ए, इसको लेट कर लिया बी, इसको लेट कर लिया सी, तो मेरे पास यहां पे सबसे पहले स्टार्टिंग में क्या मिल गया, एन आइसोसेलस ट्रायंगल, यहां दो साइड मैंने इक्वल ले ली, तो ए इज इक्वल टू सी, दो साइड इक्वल आ गई। अब देखिए ईच ऑफ द इक्वल साइड इज 12 सेंटीमीटर, इसका मतलब ये कितनी आ गई, 12 सेंटीमीटर आ गई, तो दो साइड तो आपको पहले से ही मिल गई। अब आपके माइंड में आ गया कि थर्ड साइड निकालनी, थर्ड साइड के लिए कुछ ना कुछ गिवन होगा, यहां देखिए पेरीमीटर 30 सेंटीमीटर, इसका मतलब हमें पेरीमीटर दे दिया, पेरीमीटर का हमें फॉर्मूला पता होता है, क्या होता है, तीनों साइडों का सम, पेरीमीटर कितना है 30 है, ए साइड 12 है, बी साइड हमें पता नहीं, सी भी कितनी है वो भी 12 है, 12 और 12 कितना हो गया 24 प्लस बी, अब बी की वैल्यू निकालनी है 24 को राइट साइड लेफ्ट साइड में ले जाइए, अब देखिए कितना सिंपल था, 30 माइनस में कितना हो गया, ये 24 को लेफ्ट साइड में लेगी, 30 में से 24 माइनस करेंगे 6, बी की वैल्यू क्या आ गई आपकी 6 सेंटीमीटर आ गई। पहला स्टेप क्लियर, ट्रायंगल कंप्लीट। दूसरा स्टेप एस निकालना है, एस निकालिए, एस क्या था, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई टू, सबको ऐड करो, 12 प्लस 6 डिवाइड बाई व्हाट, टू, कितना हो गया 30 डिवाइड बाई टू 15 सेंटीमीटर, एस की वैल्यू भी निकल गई 15 सेंटीमीटर। अब क्या करना है, अप्लाई द फॉर्मूला, सो प्लीज मेक अ नोट। Now apply the formula. Formula क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल का, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज व्हाट, कितना सिंपल हो गया आपको ये प्रैक्टिस करने से, एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, अब पुट करिए सारी वैल्यूज, एस कितना है आपका 15, ए और सी सेम था 15 माइनस 12, डी कितना आता है 15 माइनस 6 और C आपका 12 था 15 माइनस 12, और देखिए कितना इजी बन जाएगा ये सॉल्व करना, ये 15 है 15 में से 12 करेंगे ये 3 और ये 15 में से 6 करेंगे 9 और ये भी हो गया 3, तो ये 3 और 3 की पेयरिंग बनके 3 बाहर आ गया, 9 का स्क्वायर रूट 3 होता है ये 3 बाहर आ गया और 15 एज इट इज, तो 3 इंटू 3 9 रूट 15 स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 9 रूट 15 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये क्या आ गया आपका आंसर आ गया, सो प्लीज मेक अ नोट। सो वी डिड कंप्लीट आवर एक्सरसाइज 12.1 वेरी क्विकली, देखा कितनी इजी एक्सरसाइज थी, आपने आई होप आपको बहुत एंजॉय भी किया होगा इस वीडियो पे, यदि आपको रियली में वीडियो अच्छी लगी तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर, आप इसको अपने फ्रेंड से शेयर कर सकते हो, और प्लीज डू इट इन योर फेयर नोटबुक वेरी नीट एंड क्लीन डायग्राम, सो वी विल मीट वेरी सून टेक विद अ न्यू लेक्चर ऑन द एक्सरसाइज 12.2 वेरी सून, थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रॉम स्टार्ट टू, अगेन प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर।